तो अगर हमारे आसपास गंदगी पड़ी होगी, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जात को कुछ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये समाज में कहीं भी बुराई हो, वो किसी न किसी तरह से हम सब पे असरअंदाज होती है। वो डायरेक्टली हो सकती है, वो इनडायरेक्टली हो सकती है। तो अगर ये जो गंदगी है, गलाफत है, और हमारा जो माहौल है या हमारा जो वातावरण जिसको हम कहते हैं वो साफ हो, उसका असर भी हम पे आता है। वो किसी बच्चे पे कम आएगा, किसी पे ज़्यादा आएगा, किसी इंसान पे कम आएगा, ज़्यादा आएगा, बराह रास्त आएगा या बिलावस्ता आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इससे आँख बंद ही की जा सकती है। इसलिए हमको बड़ी ज़बरदस्त कोशिश करनी है कि हमको इन इंस्टीट्यूशन में सफाई को प्रमोट करना है। और देखिए, एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती। हम सफाई एक एटीट्यूड है। जिस आदमी को रोजाना नहाना है वो रोजाना नहाता है, जो रोजाना शेव करना चाहता है वो करता है, चाहे फिर हालात कुछ भी हो। ये एक एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को जब तक हम अपने अंदर, तब तक हमारा जो ये सपना है ना, जो हम ख्वाब देखते हैं, साफ इंस्टीट्यूशन कभी पूरा नहीं हो सकता। तो एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम ये ठान लेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूशन हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, माई क्या ऑप्शन था, माई स्कूल माई प्राइड, तो इसको प्राइड के साथ जब तक ना जुड़ेंगे, इसको ओन नहीं करेंगे, ऑनरशिप नहीं देंगे, तब तक ये साफ नहीं होती। ये ओनरशिप देनी पड़ती है। मैं इस चीज में भरपूर यकीन रखता हूं कि जब हम ठान लेते हैं, इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमको कामयाबी मिलती है। और मैं